बिहार के दरभंगा के आधारपुर गांव में प्रेम विवाह करने पर लड़की के परिवार वालों ने लड़के के परिवार के साथ जो सलूक किया उसे दिखाना तो क्या, बताना भी मुश्किल है। पहले दूल्हे की मां को घर से जबरन खींचकर बाहर निकाला और उसके साथ मारपीट की। फिर पीड़ित महिला को अर्धनग्न कर गांव के ही बुजुर्ग महादलित से जबरन शादी करवा दी। गुस्से में पागल लड़की के परिवार वाले हैवानियत का नंगा नाच करते रहे। गांव वाले मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। घायल अवस्था में पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिले के SSP बाबूराम ने मामले में आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई का दिखावा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन पूरे गांव के सामने एक महिला के साथ हैवानियत का नंगा नाच करने वाले 13 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला एक ही गांव और एक ही समुदाय के प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर 12 नवंबर को शादी कर ली। इसके बाद नव दंपत्ति ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। लड़का और लड़की की शादी की तस्वीर जैसे ही लड़की वालों तक पहुंची, लड़की पक्ष के लोग आग बबूला हो उठे और प्रेमी के घर पर हमला बोल दिया। लड़की वालों ने पहले तो सोनू के घर के सामान को तोड़ फोड़ दिया और इधर उधर फेंक दिया। बाद में उसकी माँ से मारपीट की और उन्हें घर से बाहर खींचते हुए कपड़े फाड़ दिए। इतने से भी उनका मन नहीं भरा तो अर्धनग्न हालत में गांव में घूमते हुए गांव के ही एक महादलित बुजुर्ग के साथ जबरन शादी करवा दी और मांग में सिंदूर भरवा दिया। इसका भी एक वीडियो बनाकर आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिस प्रदेश की डिप्टी CM एक महिला है, उस प्रदेश में महिला के साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, 13 अब भी फरार है। किसी को नहीं पता उनकी गिरफ्तारी कब होगी। इस घटना के लिए जितने आरोपी जिम्मेदार हैं, उतना ही हमारा समाज, जो महिला के साथ है, जो महिला के साथ हैवानियत होती रही और किसी ने विरोध तक नहीं किया। इस घटना के लिए हमारी वो सोच भी जिम्मेदार है जिसने नाक के लिए प्रेम विवाद अपराध मान लिया जाता है। इस घटना के लिए वहां की पुलिस भी जिम्मेदार है जहां ये घटना घटी। घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद पुलिस सिर्फ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पाई है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।